आप लोगों के सब सहयोग इसमें चाहिए और ये प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा था। अभी मैं डीजी आईसीएमआर और डायरेक्टर आरएमआरसी की तरफ से सबको आपको वेलकम करता हूं और आप लोगों को सब स्वागत है इस कार्यक्रम में और आगे का कार्यक्रम अब आगे चलता रहे। थैंक यू। धन्यवाद सर। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मुख्य निदेशक डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी को। परम आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय, हम लोग के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, भारत सरकार के हेल्थ रिसर्च की सचिव, साथ ही आईसीएमआर की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सौम्या रंगनाथन, हमारे अपर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी सर, रिम्स के निदेशक डॉक्टर बी एल शेरवाल जी और रीजनल आईसीएमआर सेंटर भुवनेश्वर की डॉक्टर संगमित्रा पति, स्वास्थ्य विभाग के निदेशकगण, रिम्स के वरीय चिकित्सा पदाधिकारी एवं शिक्षकगण और हमारी विभिन्न स्वास्थ्यकर्मी, स्टूडेंट्स और मीडिया कर्मी, आज का दिन टीबी उन्मूलन जो कि प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है कि 2025 तक इसको हम लोग को भारतवर्ष से उन्मूलन करना है, उसके तहत कई रणनीतियाँ बनी और आईसीएमआर के द्वारा एक रिसर्च किया गया जिसमें देखा गया कि हमारी जो जनजाति है, हमारी जो वो उनमें जो अनुमानित जो रोगियों की संख्या है, टीबी से संबंधित रोगियों की संख्या आम लोगों में प्रति लाख 256 है और इन इस हम लोग के जो जनजाति की जनसंख्या में ये संख्या 705 है प्रति लाख, जो कि बड़ा ही भयावह है। उनके कई कारण हैं, गरीबी है, साक्षरता है, कई ट्रेडिशनल हैबिट्स हैं, उनको एक्सेस की कमी है कि कहाँ पहुँचे कैसे करें। तो ये इस पर आईसीएमआर ने एक विशेष योजना बनाई है और हमारे यहाँ 28% लोग जनजाति के हैं, लेकिन अभी आईसीएमआर के डॉक्टर महापात्रा और डॉक्टर दास से बात हो रही थी, बोला कि जनजाति क्षेत्र में ये संख्या और भी ज़्यादा है, 45% है और उनमें 705 के हिसाब से प्रति लाख से आप लगाइए तो बड़ी तादाद में ये संख्या है और ट्रांसमिशन होगा। अगर ये स्पुटम पॉजिटिव केसेस है तो ट्रांसमिशन भी वैसे ही होगा, इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। इसी के तहत आईसीएमआर के रिसर्च के बाद जो रणनीति बनाई गई, एक विशेष योजना बनाई गई, तो उन्होंने इसका नाम दिया है टाई टीबी, TIE और TB। टाई है कि टारगेटेड इंटरवेंशन, हमको टारगेट किसको करना है, इन लोगों को, और टू एक्सपैंड द टीबी सर्विसेज जो है। इसी के तहत इन्होंने जो मोबाइल वैन है जिसमें डिजिटल एक्सरे की सुविधा है और माइक्रोस्कोपी है, साथ ही अभी जो हम NCD पे जोर दे रहे हैं इसकी जनसंख्या भी कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन उसकी भी जांच होगी और डिजिटल एक्सरे से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं डेटा को हमारे जो रेडियोलॉजिस्ट जहाँ भी होंगे, और एक ग्रुप बनाया जाएगा जिससे हम लोग को आपस में सारा ये इंफॉर्मेशन, सुझाव, मिड कोर्स करेक्शन ये होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे और आज का दिन बड़ा ही सुखद और ऐतिहासिक है कि आईसीएमआर के द्वारा इतनी बड़ी सेवा और झारखंड की जनसंख्या को देखते हुए उन्हें झारखंड प्रदेश को चुना, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं आईसीएमआर को और सरकार की तरफ से, हम अपने विभाग की तरफ से, हम लोग आपको कमिट करते हैं, हम लोग कटिबद्ध हैं कि जिस प्रकार हम लोग की स्वास्थ्य सुविधा जो भी
हम लोग के तरफ से होगी वो हम लोग पूर्ण रूप से देंगे और लक्ष्य की पूर्ति जो 2025 तक का है उसमें हम कामयाब होंगे। नम धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ICMR RMRC भुवनेश्वर की डॉक्टर संगमित्रा पाटी जी को। नमस्कार हर एक्सलेंसी ऑनरेबल गवर्नर ऑफ झारखंड मैडम, ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, आवर ओन डीजी सेक्रेटरी DHR डॉक्टर स्वामीनाथन मैडम, सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, डायरेक्टर इन चीफ डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी एंड प्रोफेसर शेरवल सर, टुडे इज ए मोमेंटस ओकेजन पर्टिकुलरली इन द लैंडस्केप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल इन द कंट्री। द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट एज वेल एज द टाइप TB प्रोजेक्ट स्टाफ आर टू बी कंग्रेचुलेटेड फॉर टेकिंग अप दिस फर्स्ट एवर इनिशिएटिव इन द स्टेट ऑफ झारखंड। सो माई हार्टफेल्ट एकोलेट्स to the team together. We are overwhelmed with the support and the enthusiasm extended by the government of Jharkhand, particularly the Department of Health and Family Welfare and the state TB cell. So we are thankful to all of you because without your support, this project cannot achieve its desired objective. All of us are well aware of the problem of tuberculosis. Our own Prime Minister has announced that we have to end the TB by the year 2025. And for this, we all need to come together, unify our efforts, aur ek saath milke kaam karenge. From ICMR RMRC Bhubaneswar, our mission and vision has been to support the local health system, address the regional health priorities through cutting-edge research, capacity building, as well as service delivery. And tuberculosis, the challenges can be categorized into 5 A's. First A, awareness. Awareness about the signs and symptoms. Second A, availability and accessibility of the diagnostic services. Third, appropriate treatment. Fourth, affordability. And fifth, adherence to the treatment. And TB is a unique disease because it has got not only medical dimension, it has got a social, economic, as well as cultural dimension. And this particular project, which aims to reach out to the rural and remote people through doorstep diagnostic services intends to fill in these gaps. And if it's successful, it can create a transformation.